नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का झाला एकेडमी आपके अपने यूट्यूब चैनल मंसूर पर। क्लास सेकंड रहेगी आज पाइप टंकी, आप इसको नल टंकी के नाम से भी जानते होंगे। ये वही चैप्टर है जो हमने कल डिस्कस किया था। आज हम इसकी दूसरी क्लास लेकर हाजिर हुए हैं। देखते हैं आज के प्रश्न कौन से हैं। प्रश्न संख्या एक, सबसे पहला प्रश्न आज के लिए, मैं बोलता जाऊंगा, आप चाहें तो नोट करें या आप चाहें तो डायरेक्ट आंसर निकालें। लिखने की चीज़ें मैं बोर्ड पे लिख दूंगा, जो गिवन जिसको आप बोलते हैं कि सवाल में क्या क्या दिया है। सवाल में दिया है, एक नल किसी होज को 25 मिनट में भर सकता है। ए मान सकते हैं आप कि एक नल ए है जो किसी होज को भर सकता है 25 मिनट में। आगे लिखा है दूसरा 50 मिनट में खाली कर सकता है। बी नामक नल खाली कर सकता है यानी कि माइनस से 50 मिनट में। सवाल में केवल यहाँ लिख रहा हूँ, आंसर आपको ही निकालना है, इसलिए आप सावधान रहिएगा। मैं पूछता हूँ कि अगर एक 25 मिनट में भर देता है, दूसरा 50 मिनट में खाली कर सकता है, यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो होज कब भरेगा। मेरा प्रश्न है ये कि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो होज कब भरेगा। और इसके लिए मेरे पास विकल्प है, आप अपना अपना उत्तर प्राप्त करें। 20, 30, 40, 50, सही उत्तर क्या होना चाहिए? 20, 30, 40, 50 मिनट हैं सारे ये। मैं उम्मीद करता हूँ कोशिश आप कर रहे होंगे, कई विद्यार्थियों ने कोशिश कर ली होगी। जिन विद्यार्थियों के उत्तर नहीं आया है वे विद्यार्थी एक लाइन में समझ जाएंगे, बहुत सरल प्रश्न होता है ये। ऑप्शन पर बाद में चलें, पहले हम उत्तर निकाल दें, जो भी उत्तर आएगा वही अपना ऑप्शन है। उत्तर बहुत सरलता से करेंगे, 25 और 50 दोनों संख्याओं का एलसीएम लेना। एलसीएम लेने की तरकीब, बड़ी संख्या देखकर पहाड़ा बोलें, 50 से कम 50, 25 में आ जाएगा 50, तो यह 50 हमारा एलसीएम है। स्पीड प्राप्त करें, 25 से काटें दो बार तो 25 के सामने लिख दीजिए 2, भरने वाला है इसलिए प्लस। 50 से कम 50, 1 लिख दीजिए 50 के सामने, वो खाली करने वाला इसलिए माइनस। पूछा क्या है, दोनों को एक साथ खोलने पर क्या विकल्प आना चाहिए। बहुत सरल प्रश्न, दोनों को एक साथ करने के चक्कर में हम चाहते हैं कि ये 2 और 1 3 हो जाए, पर ये प्लस माइनस की वजह से मिलाने पर भी आप देखेंगे घटेगा। 2 और 1 को मिलाएंगे तो मिलने पर प्राप्त होगा प्लस का 1, क्योंकि प्लस 2 माइनस 1 बराबर प्लस 1। बस इससे आप देखें कि 50 के डिवाइड करें 1 से तो आप जानते होंगे 50/1 अर्थात 50 मिनट हमारा उत्तर है। इसका विकल्प डी सही था। मुझे विश्वास है बहुत सारे विद्यार्थियों का उत्तर आ गया होगा, जिनका नहीं आया होगा उनको समझ में आ गया होगा। दूसरे प्रश्न की ओर अपना रुख करते हैं, प्रश्न संख्या 2। मैं लिखकर फिर से रुकूंगा, आपके उत्तरों का इंतजार करूंगा, फिर मैं कराऊंगा। प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न है, पानी की एक टंकी में 2/5 भाग पानी भरा हुआ है। प्रश्न की लैंग्वेज थोड़ी अलग लग रही है कि पानी की एक टंकी में 2/5 भाग पानी भरा है। क्या बोलता है? 2/5 भाग पानी भरा है, ठीक है। आगे पढ़ें, ए नल उस टंकी को 10 मिनट में भर सकता है। क्या बोलता है? ए नल उस टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, भर सकता अर्थात प्लस। फिर आगे पढ़िए, जबकि बी नल उसको 6 मिनट में खाली कर सकता है। अच्छा, बी नल उसको 6 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है। तो टंकी कितने समय में पूर्णतः खाली या भरी जा सकती है? प्रश्न देखिए, तो टंकी जो है वह पूर्णतः खाली या भरी जा सकती है कितने समय में? क्या बोलता है? पूर्णतः, अब या तो ये पूर्णतः भरी जा सकेगी, पूर्णतः भरी या खाली कब होगी, ये अपना प्रश्न है। और दोनों को एक साथ चलाना है। प्रश्न समझ गए होंगे आप, एक टंकी है जिसमें 2/5 भाग पानी भरा है। ए नामक नल उसको 10 मिनट में भर लेता है, बी नामक नल 6 मिनट में खाली कर लेता है। दोनों नलों को साथ चलाने पर
या तो ये पूरी तरह भरेगी वो समय बताओ, या अगर खाली होती हो तो पूरी तरह खाली होगी आपको वो समय बताना है। अपने अपने उत्तरों की तरफ आप देखें, मैं आपको विकल्प दे रहा हूँ, मेरे साथ बने रहें। विकल्प है 6699, अर्थात ये ऐसे बनाए हैं 6699 कि भाई 6 मिनट पहला ऑप्शन है खाली के लिए कि 6 मिनट में खाली। दूसरा ऑप्शन है 6 मिनट भरने के लिए, भरने के लिए 6 मिनट। ऐसे ही तीसरा ऑप्शन है 9 मिनट लगेंगे खाली होने में, 9 मिनट खाली होने में लगते हों, तो यह ऑप्शन है आपका सी। और यह डी ऑप्शन है कि 9 मिनट में भर जाएगी टंकी। देखिए ज़रा आखिर क्या उत्तर होना चाहिए, 6 में खाली, 6 में भरें, 9 में खाली या 9 में भरें। मेरे ख्याल से आपने कोशिश करी होगी, कई विद्यार्थी अपने प्रश्नों के उत्तर तक पहुंचे होंगे। जो विद्यार्थी कोशिश कर रहे हैं वे मिलजुल के आ जाएं। 10 और 6 एलसीएम लेंगे आप, 10 एकम 10, 10 दुना 20, अभी 6 में नहीं आ रहा 20, 10 तिया 30, हाँ आ रहा है 6 में, तो 30 एलसीएम हो गया। 10 से काटेंगे तो 3 बार, 6 से काटेंगे तो 5 बार, एक भरने का एक खाली करने का। दोनों को मिलाएंगे तो मिलाने पर माइनस की स्पीड आएगी, और बहुत ज़रूरी है यहाँ ये बोलना कि जब माइनस की स्पीड आती है तो जो भरने वाले ऑप्शन थे वो तो कट ही गए। क्यों? क्योंकि माइनस की स्पीड भरती नहीं है, माइनस की स्पीड खाली करती है। अच्छा, कितना खाली करेगी वो ऊपर की लाइन अब काम दे देगी। कहा था कि पानी जो है वो 2/5 भाग भरा है, हम देखें, हमने टंकी ली है, वो हमारा एलसीएम है 30। इसको रफ में देखें कि 30 का 2/5 भाग भरा होने का अर्थ होता है कि 12 लीटर पानी भरा है। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो इस 12 लीटर भरे पानी को खाली करना है 2 से। इत्मीनान से आप देखें तो 6 बार कटेगा, माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं, माइनस तो इस बात को बता रहा है कि खाली होगी। तो हमारा उत्तर हो गया ए ऑप्शन कि 6 मिनट में टंकी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। मुझे उम्मीद है प्रश्न संख्या 2 भी आपके समझ में आया होगा। अब हम रुक करेंगे प्रश्न संख्या 3 की तरफ, देखते हैं जरा तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न है आपके लिए, एक टंकी को नल ए द्वारा 9 मिनट भरा जा सकता है। थोड़ी खांसी रहेगी तो आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करिएगा, तबीयत थोड़ी नासाज लग रही है पर टेंशन नहीं लें, चलता रहता है। बोल रहा था मैं कि एक टंकी को नल ए द्वारा 9 मिनट भरा जा सकता है। मैं यहाँ लिखना चाहूँगा कि ए नामक नल है जो 9 मिनट में किसी टंकी को भर रहा है, ठीक है। आगे सुने, इसमें लगे नल बी के द्वारा इसे खाली होने में कुल कितना समय लगेगा। देखो प्रश्न कैसा पूछा कि कोई नल बी है, बताओ वो कब खाली करेगा। प्रश्न बड़ा अजीब सा बोल दिया कि ए नामक नल तो 9 मिनट में भर रहा है, इसमें लगे नल बी के द्वारा इसे खाली होने में कुल कितना समय लगेगा। जब नल ए और बी दोनों एक साथ खुले होते हैं तो टंकी 10 मिनट में भरती है। जब नल ए और बी एक साथ खुले होते हैं तो क्या होता है, टंकी 10 मिनट में भरती है। ये लाइन जो है ये आपको ज्ञात करनी है। आप अपना ध्यान केंद्रित कहाँ कहाँ करेंगे, आप लाइन संख्या 1 पर ध्यान केंद्रित करें और लाइन संख्या 3 पर करें। आप देखें कि ए नामक नल 9 मिनट में भरता है और ए प्लस बी अगर काम करे तो 10 मिनट लगते हैं। अब आपको निकालना है बी कब खाली करेगा। मैं आपको विकल्प दे रहा हूँ, कोशिश करिएगा। विकल्प है 12 मिनट, 11 मिनट, 12 सही 1/2 मिनट या 90 मिनट। आपको अपने विवेक के आधार पर प्रश्न का उत्तर निकालना है, आखिर कौन सा विकल्प सही है। प्रश्न समझ गए होंगे आप, ध्यान केंद्रित करें ए और ए प्लस बी पर, ये उत्तर प्राप्त करना है कि बी कब खाली कर देगा। मैं समझता हूँ बहुत हद तक विद्यार्थी पहुँचे होंगे नतीजे पर। जो विद्यार्थी कोशिश में हैं भी पहुँच रहे हैं मेरे साथ मिल जाएं। 9 और 10 को ध्यान से देखें, एलसीएम लेंगे 10 के टेबल से, 10 एकम 10, 10 दुना 20, 10 तिया 30, 30 भी 9 में नहीं आता है।
दस चौक 40, दस पंजे 50, दस छंग 60, 60 भी नौ में नहीं आता है, 10 7 70, 10 8 80, 10 9 90, हाँ 90 ठीक जमेगा। तो 90 एलसीएम मान लीजिए, 9 से काटेंगे तो कट जाएगा 10 बार और 10 से काटेंगे तो कट जाएगा 9 बार। अब ज़रा ध्यान दीजिए कि दोनों बार प्लस क्यों आया, क्योंकि दोनों ही बातें थी कि भरेगा भरेगा। अब आपको यह ज्ञात करना है कि बी अगर चाहिए तो बी ऊपर वाली इस 10 में नहीं है, क्योंकि ये तो ए वाले का मामला है। बी अगर है कहीं पर तो वो इस 9 में पड़ा है ए प्लस बी के रूप में। और मजे की बात देखिए कि ए तो आपको ऊपर भी मिला था 10, अगर ये 10 ए ही होता है तो फिर 9 में से 10 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा। जाहिर सी बात है 9 में से 10 घटता नहीं है, 9 और 10 को डिफरेंस करते हैं, 9 माइनस 10 करते हैं तो माइनस 1 आता ही है। तो ज़रूर जाहिर सी बात है कि ये बी ही होना चाहिए, तभी तो 9 और 1 मिलकर जो 10 है वो ए प्लस बी है और जो केवल ए है वो 10। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये लॉजिक आपको समझ में आया होगा। प्रश्न अब आपके हाथ में आ चुका है कि बी कब खाली करेगा। बी आ गया है माइनस 1, देखना है हमें कब खाली करेगा। इसको बस बटे में डालना है और काट के उत्तर बताना है, माइनस लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि खाली करना ज्ञात हो गया हमको। हमारा उत्तर आएगा यहाँ से 90 मिनट में खाली कर देगा, तो हमारा ऑप्शन लग जाएगा कौन सा, डी वाला ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ प्रश्न संख्या 3 भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे बढ़िए। अब लेंगे हम आपके लिए प्रश्न संख्या 4। देखते हैं जरा प्रश्न संख्या 4 क्या है। प्रश्न संख्या 4 है, एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। देखिए क्या बोल रहा है, गिवन क्या है, एक पाइप है जो किसी टंकी को 5 घंटों में भर सकता है, 5 घंटों में, 5 घंटे आवर्स में भर सकता है, ठीक है इतना बोला। आगे सुनिए, इस टंकी को कोई दूसरा पाइप 4 घंटों में खाली कर सकता है। हम बी मान लेते हैं, दूसरा पाइप वो 4 घंटों में खाली कर सकता है। आगे सुनिए, यदि टंकी पूर्णतया भरी हुई हो और दोनों पाइप खोल दिए जाए तो टंकी कब खाली होगी। पूछा क्या गया है कि भरी टंकी है, भरी टंकी, दोनों नल खोल दे तो खाली कब होगी, ये आपका प्रश्न है, खाली कब होगी। दिया तो ये है, पूछा ये है, खाली कब होगी। विकल्प दे रहा हूं आपको, विकल्प है 9 घंटे, विकल्प बी है 18 घंटे, विकल्प सी है 20 घंटे, विकल्प डी है 20 सही 1/2 घंटे। अब हमको देखना है कि हमारा सही ऑप्शन कौन सा है। दिया और पूछा दोनों पर ध्यान रखें और उत्तर लाएं। चलिए, सबने अपनी अपनी कोशिश करी हो, नतीजे तक पहुंचे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पहुंच पाए हो, रास्ते में रुक गए हो तो मेरे साथ चलें, ज़रूर हम एक साथ पहुंचेंगे। यहां से एलसीएम मिलेगा हमें 5 की टेबल से, 5 एकम 5, 5 दुना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 20 दोनों पहाड़ों में आ जाएगा। यह मान लेते हैं कि 20 एलसीएम है, 5 के आगे लिखा जाएगा 5 चौक 20 अर्थात प्लस 4, 4 के लिए लिखा जाएगा 4 पंजो 20 अर्थात प्लस 5, सॉरी यहाँ प्लस नहीं माइनस रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि हमने काटा माइनस से तो माइनस रहेगा। अच्छा, यहाँ तक तो हर आदमी कर ही चुका होगा। अब प्रश्न पैदा होता है कि भरी टंकी को दोनों खोल दें तो खाली कब होगी। टंकी 20 भरी है, कोई बात नहीं, दोनों खोलना है, दोनों खोलने का अर्थ हुआ वैल्यू बनेगी माइनस 1, कैसे बनी, दोनों का मिलन हुआ माइनस 5 प्लस 4 वैल्यू मिली माइनस 1। खाली कब करेगी, बस बटे में डालना है, उत्तर प्राप्त करना है 20/1 अर्थात माइनस लगाने की जरूरत नहीं, हम बोलेंगे 20 मिनट में खाली हो जाएगी। तो हमारा विकल्प कौन सा सही रहेगा, विकल्प सी आपका सही उत्तर रहेगा, प्रश्न संख्या 4 का सही विकल्प। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर, ये आप नोट कर सकते हैं, आपने कर लिया हो तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिएगा पांचवा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। चलिए,
प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है आपके लिए, एक पंप किसी टंकी को पानी से 2 घंटों में भर सकता है, यानी दिया है कि नल ए है, कोई पाइप है, वो 2 घंटों में भर सकता है, 2H में भर सकता है, प्लस लगा रहा हूं। आगे लिखा है टंकी में पानी चूने से इसको भरने में 2 से 1/3 घंटे लगते हैं। बात को समझिएगा कि पानी चूना बोल रहा है, अर्थात पानी का लीकेज है। ए अगर काम करता हो साथ में जो पानी चू रहा है, जो लीकेज है, मैं लीकेज लिख देता हूँ समझाने के लिए, लीकेज अपना काम करे, ए अपना काम करे, तो कब भर रही है टंकी? कहा जा रहा है कि टंकी भर रही है 2 से 1/3 घंटों में। आगे है, भरी हुई टंकी पानी चूने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी? ये जो लीकेज है ये भरी टंकी को कब खाली कर देगा? भरी टंकी को लीकेज कब खाली कर देगा? लीकेज कब खाली कर देगा? प्रश्न घुमा दिया है थोड़ा सा, लेकिन मंजिल आसान है यदि आप कर्म करते जाएं। विकल्प दे रहा हूं आपको, 8 घंटे, विकल्प बी 7 घंटे, विकल्प सी 4 से 1/3 घंटे, विकल्प डी 14 घंटे। देखना है हमको कौन सा इसमें से सही उत्तर है। प्रश्न आपके सामने है, ए अकेला काम करे ये होता है, ए और लीकेज काम करे ये हो जाता है। भरी टंकी को लीकेज कब खाली कर देगा? बड़ा मजा आएगा इस प्रश्न में, समय भी थोड़ा मैं एक्स्ट्रा देता हूँ, उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करें। चौदह यदि कोई पहुंच रहे हो तो 14 उत्तर आना चाहिए, किताब यूं कह रही है, देखेंगे भाई कैसे है। चलिए मिलकर देखते हैं। सबसे पहली समस्या, एलसीएम लेना, पिछले 4 सवालों में समझ आ गया था, अब यहाँ एलसीएम लेना नहीं आएगा। पहली समस्या समाधान करते हैं, पहले इसको सही लिखेंगे तब समाधान होगा। 3 × 2 = 6, 6 × 1 = 7, यानी कि इसको लिखा जा सकता है 7/3। ये आप जानते होंगे, इसको क्या लिखा जा सकता है, 3 × 2 = 6, 6 × 1 = 7, 7/3। तो मैं यहाँ लिखना चाहूँगा कि 7/3। एक छोटी सी बात कि इसको क्या लिख सकते हैं, अब सही लिखी हुई चीज़ है 7/3 और ऊपर लिखा है 2, इन दोनों से हम एलसीएम प्राप्त करेंगे। एलसीएम में फिर भी समस्या है आपके, क्योंकि अब यहाँ पर एक वैल्यू भिन्न है और एक वैल्यू केवल एक 2 लिखा है, अब कैसे हम एलसीएम लें? कोई बड़ी बात नहीं, आप ऐसे ही भिन्न के रूप में एलसीएम लाएंगे, और इतना सरलता से लाएंगे कि यहाँ बटे में 3 है तो अच्छी बात है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 कर देते हैं। बटे की संख्या है 1 और 3 दिख रही है, बटे की संख्याओं का उल्टा काम करेंगे, ऊपर की संख्या है 2 और 7 दिख रही है, ऊपर की संख्याओं का वही करना है जो हमारा लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य एलसीएम है। ऊपर की संख्या है 2 और 7, इनका एलसीएम लेंगे, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 14 दोनों पहाड़ों में आ जाएगा, या 14 एलसीएम। ऊपर वाली बात तो समझ में आ गई, नीचे 1 और 3 लिखा है, एचसीएफ लेते हैं। एचसीएफ को हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहते हैं, नहीं लेना है कोई बात नहीं, 1 देखते ही 1 लगा दोगे तो भी ठीक है, लेना चाहते हैं अगर तो ऐसा बोलते हैं कि ऐसी छोटी से बड़ी ऐसी संख्या क्या है जिसके पहाड़े में दोनों आ जाए, 1 और 3। अच्छा, थोड़ा मैं डिस्कशन करना चाहूँगा, 2 और 7 का एलसीएम तो सबको आता है कि स्कूल में ऐसे भी सिखाते थे, एलसीएम मतलब लारे लारे दोनों एक साथ। 1 और 3 का अगर एचसीएफ नहीं आ रहा है तो आप 1 और 3 को अलग अलग लिखें और दोनों के लिए अलग अलग फ्रैक्शन करें, ये मामला एलसीएम कहलाएगा जो उत्तर 14 देगा, और ये मामला एचसीएफ कहलाएगा जो उत्तर 1 देगा। कैसे देगा भाई, 1 को काटने के लिए 1 कर सकते, ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, 3 को काटने के 3 × 3 कर सकते हैं, दोनों ही फ्रैक्शन में कोई कॉमन वैल्यू मिलती नहीं है, ऐसी स्थिति में हमको 1 लेना पड़ता है। ये एचसीएफ की थोड़ी छोटी सी बात हो गई, चर्चा हो गई, इस वजह से यहाँ 1 आया था। चलिए, हालांकि इसका कोई उपयोग नहीं है, आते से मैं कहूँगा बटे में 1 का कोई महत्व नहीं होता,
बटे में वन का यहाँ पर भी कोई महत्व नहीं होता। मेन चीज थी आपको एलसीएम समझाना। अब आप एलसीएम से देखें स्पीड 2 × 7 = 14 स्पीड आएगी। यहाँ से आप देखें 7/3 से यदि कटे तो 7 से तो 7 × 2 = 14 हो जाएगा, पर वो दुनी है वो 3 में गुणा भी तो होगा, तो 3 × 2 = 6 आएगा। अब आप ध्यान लगाएं, ये अगर समझ में कम आया हो तो रफ में काट सकते हैं, 14/7/3 करें यह आ जाएगा। यहाँ देखें कि लीकेज प्राप्त करना था हमको उत्तर में, लीकेज इस 6 में बैठा है, क्योंकि इस 6 में जो ए बैठा है वो 7 के रूप में बनकर बैठा है। ए अगर 7 है तो जाहिर सी बात है 6 में से 7 को धक्का देकर बाहर करेंगे तो -1 आएगा, लीकेज आपको मिल गया -1। बस इससे आपको उत्तर प्राप्त करना था, उत्तर आपका आसानी से प्राप्त हो जाएगा 14/1, माइनस लिखने की जरूरत नहीं, खाली होगा ऐसा हम लोग बोल देंगे और हमारा उत्तर लेके आ जाएंगे विकल्प डी। मैं उम्मीद करता हूँ यह 5वां प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक बात को विराम देते हैं, फिर 5 प्रश्नों की प्रैक्टिस करें, फिर आगे बढ़ें, किताब की भी सहायता लें। मैं आपको प्रश्न इस हिसाब से करवा रहा हूँ कि यदि 5 प्रश्न आप समझ जाएं तो अगले 5 आप कर पाए। ज़्यादा लंबा नहीं खींच रहा हूँ क्योंकि वीडियो की अपनी एक सीमा होती है, बहुत ज़्यादा लंबा होने पर भी आप बोर हो जाएंगे। पहले 5 प्रश्न करें, टुकड़े टुकड़े में पढ़ें, आसान से कठिन की तरफ जाएं, आराम से मैथ समझ में आएगी। उम्मीद है मुझे आज के सवाल आपको समझ में आएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में।